बनाना है। परचेज ऑर्डर बनाया, उसकी हमने डेट डाली कि कब चाहिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फेच हो गई। अब ये सर टारगेट वेयर हाउस आप यहाँ पर बता दें कि कौन से वेयर हाउस में जो है वो इसको जाना है इस आइटम ने, तो आपने कहा जी स्टोर्स के लिए, मेन स्टोर के लिए ये आइटम जो है वो हम ये परचेज ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं। आपने इसको सेव किया, आपने जो है वो डेट थोड़ी सी ज़रा चेंज कर लें, बेशक चेंज द डेट टू 31st। आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आपने इसको सबमिट कर दिया, तो ये आपका परचेज ऑर्डर बन गया। परचेज ऑर्डर बनने के बाद आपने परचेज इसको परचेजिंग की, परचेज करने के बाद आपके पास वो आइटम्स रिसीव होनी है। तो जब रिसीव होनी है, उस रिसीविंग के जो है वो आपने किस तरीके से सिस्टम में रजिस्टर करना है, वो इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 300 क्वांटिटी रिक्वेस्ट की थी, 300 क्वांटिटी आपके पास आ गई है, आपने उसकी परचेज रिसिप्ट बनानी है कि ये रिसीविंग मेरे पास इस चीज़ की हो गई है। तो आपने जो है वो बताया कि ये मेरे स्टोर वेयर हाउस में जाएगा। अगर उसने आपने 300 क्वांटिटी डाली, आपने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सप्लायर ने आपको 300 के बजाय 150 या 200 भेज दिया, तो आप यहाँ से क्वांटिटी उसकी एडिट करके, तो आप इसको सेव सबमिट करके इसी की इनवॉइस बना सकते हैं। फिर जब आपके पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी आएगी, तो आप दोबारा से जो है वो इसकी परचेज रिसिप्ट बना के जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच करेगा और उसकी फिर इनवॉइस बना दी जाएगा। तो अभी जो है वो हम इस सिनेरियो को लेके चलते हैं कि हमने 300 क्वांटिटी रिक्वेस्ट की थी और वो 300 क्वांटिटी ही हमारे पास आ गई है। तो आपने जो है वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सब कुछ फेच कर लिया, हमने उसको सेव का बटन पर क्लिक किया और सबमिट, तो ये हमारे पास हमने परचेज रिसिप्ट किया। अब हमारे पास ये सिस्टम को हमने बता दिया है कि आइटम्स जो हमने रिक्वेस्ट किए थे ये हमें रिसीव हो गए हैं। अब हमने जो है वो सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो उसकी जो है वो हम परचेज इनवॉइस सिस्टम में जनरेट करेंगे।